नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। आपके साथ में हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या जनपद में लॉकडाउन का डीएम अनुज झा व प्रभारी एसएसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने जायजा लिया। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिया गया। लॉकडाउन का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए डीएम अनुज कुमार झा ने बताया कि मेडिकल के साथ जनरल स्टोर को भी दुकान खोलकर होम डिलीवरी करने के लिए कहा गया। 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास हेतु कलेक्ट्रेट में काउंटर खोल दिया गया है। पोर्टल के माध्यम से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। अनावश्यक लोग बाहर ना निकले, इसके लिए चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिना वजह बाहर निकले लोगों से पूछताछ की जा रही है। कई दिनों से मार्केट बंद होने की वजह से आज कुछ भीड़ भी है। मंडी रात में खुलेगी, इसमें आमजन का प्रवेश बंद रहेगा। रात में 8 से 12 बजे तक किसान वेडर तथा आड़तियों को प्रवेश मिलेगा। 12 बजे के बाद अपने वाहनों के माध्यम से विक्रेता सब्जी को लेकर जाएंगे। जुम्मे की नमाज के लिए न्यूनतम भीड़ होने की अपील की गई है। ई पास के एडीएम लॉयर ऑर्डर जेपी सिंह को नामित किया गया है। जिनको दूसरे जिले में जाना है उनको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फैक्ट्री से जुड़े आवश्यक सेवाओं व मेडिकल व वैक्सीनेशन से जुड़े लोगों को इसके लिए छूट दी गई है। 5 मई से चलने वाले डोर टू डोर अभियान के लिए निरीक्षण किया जा चुका है। इसके लिए एसडीएम ने भी अपने स्तर पर निरीक्षण किया है। 5 से 9 मई तक यह अभियान चलाया जाना है। इस तरह से लॉकडाउन जो है 7 मई सुबह तक लगाया गया है, उसको देखते हुए पूरे जनपद में क्या व्यवस्थाएं की गई, जिससे लोग अभी निकलना बंद नहीं कर रहे हैं और जो है भीड़ बढ़ती चली जा रही है। बाबा हिदायत देने के बाद भी आपका नगर कुटवाल भी बाबा राउंड से कर रहे हैं, लोग मान नहीं रहे। देखिए, कोरोना कर्फ्यू का एक्सटेंशन 10 मई की सुबह 7 बजे तक हुआ। उसके दृष्टिगत जो हमारी जितने भी व्यापार की बॉडीज हैं उनसे भी बातचीत हो रही है और इसमें जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको अलाउ किया गया है। जो फैक्ट्री चलनी है उनको अलाउ किया गया है। जितना भी हेल्थ केयर है, चाहे वो वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है चाहे इलाज से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को नहीं रोकना है। तो ये लोग बाहर आते भी हैं, तथापि लगातार जाँच पड़ताल की जा रही है और बैरियर लगा के चेकिंग्स की जा रही हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिनको एसेंशियल किसी काम से निकलना है, सर्विसेज के लिए निकलना है, वो निकलेंगे और लोग अनावश्यक इधर उधर ना घूमें उस पर अंकुश रहे। तो इस दृष्टिकोण से मास्क का भी जो है जांच करके और उसकी चालान किए जा रहे हैं और गाड़ियों की भी आवागमन पर जांच किए जा रहे हैं। तथापि कुछ लोग तो निकलेंगे। अब जैसे कई दिनों से चूंकि मार्केट बंद था तो जो गल्ला का जो व्यापार है वो थोड़े देर के लिए खोला गया। अगर वो नहीं खोलेंगे तो मार्केट में आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी। तो हम लोगों को एट द सेम टाइम ये भी देखना है, आज से जैसे हम लोगों ने होम डिलीवरी के लिए जितने भी जनरल स्टोर हैं, जितने भी ड्रग स्टोर हैं, उनको परमिशन दी है, तो वो जब खुलेंगे तो उससे भी कुछ लोगों का आवागमन होगा। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं जो एसेंशियल हैं उनको साथ साथ चलाए भी रखना है ताकि लोगों को घरों में दिक्कत ना हो। एट द सेम टाइम जो अनावश्यक निकलने वाले लोग हैं उन पर अंकुश जारी रहे। इस तरह गाइडलाइन जारी किया कल आपने, कल एक गोष्ठ जो है अपने माध्यम से लोगों को बताया, तो उनके उससे माध्यम से लोगों को क्या अपने जारी कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ हम लोगों ने कल डिसीजन ले करके उसको आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। एक तो जितने भी जनरल स्टोर हैं और जितने भी ड्रग स्टोर हैं उनको दुकान खोल करके और साथ साथ होम डिलीवरी करने के लिए भी उनको अलाउ किया है। इससे ये फ़ायदा होगा जो हमारे कंटेनमेंट जोन में लोग हैं उनको भी बाहर निकलना आवश्यक नहीं रह जाएगा, वो घर बैठे सब सामान प्राप्त कर सकते हैं जो आवश्यक है, नंबर एक। नंबर दो, हम लोगों ने एक जो हमारा मंडी है उसका हमने ऑपरेशन अब नाइट टाइम कर दिया है। आज के बाद कल से जो है मंडी नाइट टाइम में ऑपरेट होगा और उसको उसमें जो है आम लोगों का वहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए जो है प्रवेश वो प्रतिबंधित रहेगा। उसमें जो पुरानी व्यवस्था पिछले बार लॉकडाउन में की गई थी कि रात में 8 से 12 तक जो है जितने भी सब्जी उत्पादक हैं या जो वहाँ की आड़तियाँ हैं वो प्रवेश करेंगे और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जितने भी वेंडर हैं वो अपने वाहनों के साथ जाएंगे और फिर वो मोहल्ले मोहल्ले सब्जियों की आपूर्ति करेंगे। तो ये व्यवस्था कल से प्रारंभ होनी है, उसके लिए भी हमारी तैयारी चल रही है। सर, कल जैसे जुम्मे की नमाज है सर, क्या व्यवस्था की गई है? गाइडलाइन वही है कि इस वक्त इकट्ठा होना मना है, तो लोग अपने घरों से सब कुछ करेंगे और बहुत ही न्यूनतम कहीं कोई जो है भीड़भाड़ नहीं है किसी से। सर, आपने कल एक अपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिया था जो आपने अपील की थी बी पॉजिटिव, तो सर उसमें क्या हुआ और अपने माध्यम से? एक यूनिट उसमें जो है प्लाज्मा का अरेंजमेंट हो गया है और उनको मिल गया है। हमारे यहाँ अधिकारी रहे थे पहले, वो रवि कुमार सिंह, तो यहाँ पे DFO थे, तो उनके ट्रीटमेंट में प्लाज्मा की आवश्यकता थी। तो हमने यहाँ अपने सभी अधिकारियों से भी सभी मीडिया बंदों से यह आग्रह किया कि कोई भी व्यक्ति अगर AB पॉजिटिव का हो जो पहले कोरोना से ट्रीट हो चुका हो तो वो प्लाज्मा दान करे। तो तुरंत एक यूनिट प्लाज्मा जो है यहाँ से व्यवस्था हो गई थी और उनको मिल गया था। सर, एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए क्या व्यवस्था? देखिए, जो एसेंशियल किसी भी काम से जा रहे हैं उसमें एक तो कुछ चीज़ों पर छूट है कि जैसे फैक्ट्री के जो संचालन के लोग हैं, स्वास्थ्य सेवा के जो लोग हैं,
जो वैक्सीनेशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो इन सबको वैसे ही छूट है, उनको पास की ज़रूरत नहीं है। तथापि जिनको आवश्यक कार्य से कहीं और जाना है उनको ई पास बनवाना है, और ई पास के लिए हमने कलेक्ट्रेट में जो हमारे ADM हैं लॉ एंड ऑर्डर के श्री JP सिंह जी, उनको हमने नामित कर दिया है। और जो भी इसमें ऑनलाइन UP गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका ई पास JP सिंह जारी करेंगे। सर, होटल और रेस्टोरेंट के लिए कोई गाइडलाइन है?